हेलो, मेरी बात सुनो। उल्टी सीधी चीजें खाती रहोगी ना तो मोटी हो जाओगी तुम। तो क्या करूं, भूख लग रही है। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, काम करो, दोबारा घर आ जाओ, सब जाग चुके हैं तो ब्रेकफास्ट करते हैं एक साथ। वेरी फनी। क्या मतलब वेरी फनी, आई एम सीरियस। आ जाओ। मुझे लग रहा है यहाँ से गेट जाम हो गया, खुल ही नहीं रहा। अगर ऐसा है तो मेन गेट से आ जाओ, वो गेट खुला है। मुझे मेन गेट से आना अच्छा नहीं लगता, सारी जिंदगी तो इसी अंदर वाले दरवाजे से आती जाती रही हूँ। महापारा क्या हो गया तुम्हें, मेन गेट से आने में क्या बुराई है? जिन्हें चोर रास्तों से जाने की आदत हो वो मेन गेट से आना अवॉइड करते हैं। एक्सक्यूज मी, मामा तुम्हें नीचे बुला रही हैं, जाओ इंतजार करो। आप यहाँ कब से हैं? पता नहीं छोटी बीबी, अब तो ऐसा लगता है कि हमेशा से हैं। एक मिनट रुको रुको रुको। वो हो चला गया, मैंने सत्य के पैसे देने थे सुहेल के। चलें ये आप रख लें। अरे रखने शर्मा क्यों रहे हैं, सुहेल के सत्य के हैं। नहीं छोटी बीबी, अल्लाह का शुक्र है हमें सत्य की जरूरत नहीं पड़ती, बड़े साहब हमारा बहुत ख्याल रखते हैं। वो तो मापारा को देखकर लगता ही है। जी जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बड़े साहब ने कभी भी मापारा को अपने घर से अलग नहीं समझा, साथ ही रखा है। कुछ मालिक बहुत रहमदिल होते हैं, लेकिन आप पर भी आफरीन है। जब अपने काम से मालिक को खुश कर सकते हैं तो फिर बेटी को वहां छोड़ने की क्या जरूरत है। ऐसी क्या देख रहे हो, मैंने कुछ गलत नहीं कहा। और तुम गाड़ी तेज चलाओ, हम बाकी सैर को नहीं निकले। रायत, कितनी देर पहले तुम्हें बुलवाया था कि मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। चलो ओके। तुम दो मिनट यहीं रुको। सकीना, रात का सालन रखा हो तो इसे दे दो।
और जब ये चली जाए तो दरवाजा बंद कर देना। जी बाजी। तुम अब यहीं रुको, मैं लाती हूँ खाना तुम्हारे लिए। ये तुम हर वक्त छत पर क्या करते रहते हो बेटा? कभी हमारे साथ भी बैठा करो। मॉम ऐसी बात नहीं है, वो एक्चुअली मुझे आपसे महापारा के बारे में कुछ बात करनी थी। हाँ, मुझे भी तुमसे महापारा के बारे में बात करनी थी। महापारा मेरी बेटी की तरह, खबरदार अगर तुमने अपने और हाजरा के झगड़े में महापारा को इस्तेमाल किया तो। कम ऑन मॉम, मैं उसे इस्तेमाल नहीं कर रहा, यही बात तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे मुँह से एक लफ्ज भी नहीं सुनना चाहती महापारा के खिलाफ। और हाँ, मैंने हाजरा को भी साफ साफ कह दिया है कि अगर वो यहाँ रहना चाहती है तो महापारा की हैसियत को कबूल करके रहे। और उन्होंने मान लिया? हाँ, मान तो लिया, लेकिन एक शर्त रखी है उसने। शर्त? वो चाहती है कि तुम उससे अपनी सारी बदतमीजियों की माफी मांगो, तभी वो महापारा की तरफ से अपना दिल साफ करेगी, क्योंकि उसे ये लगता है कि तुम महापारा की वजह से ही उससे लड़ते हो। तो फिर ये कि वो अपनी माँ के घर जा रही है। क्यों? जाहिर है, अगर हम उसकी शर्त नहीं मानेंगे तो वो कोई नया मंसूबा सोचेगी ना। मतलब मेरे जाने के बाद लड़ाइयां ऐसी चलती रही? हो सकता है, लेकिन क्या तुम महापारा के सुकून के लिए हाजरा की शर्त तो नहीं मानोगे ना? या मान लोगे? बात है, लगता है अम्मी जी की तबीयत खराब है, वरना वो ऐसे कभी नहीं करती, इतना रूठ कभी बात नहीं करती। जरूर कोई परेशानी है, तुमने तो मेरे से नाश्ता भी नहीं किया, और फिर इतना वेट तो वो कभी साउंड नहीं करती, और अस्मा भी तो मेरा फोन नहीं उठा रही है, और आंटी लगता है सब मुझसे नाराज है। लेकिन अस्मा के साथ किया भी तो गलत है, लगता है उसके घर जाके उसे मनाना पड़ेगा, लेकिन पहले अम्मी जी की परेशानी पता करती हूँ, उसके बाद उसे घर जाके मनाऊंगी, ये ठीक रहेगा। शैला, मैंने अपने दिल की ख्वाहिश का इजहार किया था तुमसे, कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं की थी जो तुमने इस तरह से तमाशा बना दिया हमारा, मेरी बच्ची को बदनाम कर दिया। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया आमना, क्या हो गया? अस्मा तो मेरी बेटियों की तरह है। मैं भी तुम्हारे बच्चों को अपने बच्चों की तरह ही समझती हूँ, दिल में एक ख्वाहिश थी तो तुमसे कह दी मैंने, और वैसे भी लड़का अच्छा हो तो लड़की वाले कह ही देते हैं, मुझे क्या पता था कि तुम इतनी कंजर्वेटिव निकलोगी कि इतनी सी बात पर हमारा तमाशा बना दोगी। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, और अस्मा के लिए तो मैं ऐसा कुछ भी कहने के बारे में सोच भी नहीं सकती। अच्छा, तो महापारा ने ऐसे ही पूरे कॉलेज में मेरी बेटी को जलील कर दिया? महापारा क्यों करेगी ऐसा, वो तो अस्मा की दोस्त है। रहने दो अब ये दोस्तियाँ, तो तुम महापारा जैसी लड़कियाँ लड़कियों की दोस्तियाँ जब तक निभाती हैं जब तक लड़कों के चक्कर में ना पड़े, फिर तू कौन और मैं कौन? देखो आमना प्लीज, मुझे पता है तुम इस वक्त गुस्से में हो, लेकिन महापारा के लिए तुम गलत बात कर रही हो। अब महापारा का सही और गलत तो तुम रहने ही दो, कॉलेज की एक एक लड़की को पता है कि उसने अस्मा के इंसल्ट किस लिए किए। क्यों किए? देखो शैला,
तुम्हारी बड़ी बहू को देखकर लगता था कि राहत के लिए भी तुम कोई अच्छी और खानदानी लड़की लेकर आओ। इसीलिए मैंने अस्मा की बात की थी तुमसे कि घर का देखा भाला बच्चा है। लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम मखमल में टाट का पेवन लगाने का सोच रही हो। कौन सा मखमल, कौन सा टाट, क्या कह रही हो तुम? ये बात तो तुम मापारा से पूछो जाकर, जिसने अपने और राहत के इश्क के चर्चे पूरे कॉलेज में मशहूर कर दिए। अस्सलाम वालेकुम आंटी। इनको क्या हुआ? एक शर्त रखी है उसने, वो चाहती है कि तुम उससे अपनी सारी बदतमीजियों की माफी मांगो, तभी वो महापारा की तरफ से अपना दिल साफ करेगी, क्योंकि उसे ये लगता है कि तुम महापारा की वजह से ही उससे लड़ते हो। तुम महापारा के सुकून के लिए हाजरा की शर्त तो नहीं मानोगे ना? या मान लोगे? आमना आंटी को क्या हुआ है? उन्होंने मेरे सलाम का जवाब भी नहीं दिया। तुम क्या कर रही हो यहाँ पर? वो मैं आपसे मिलने आई थी अम्मी जी, आपसे पूछने आई थी, आप परेशान लग रही हैं, क्या बात है अम्मी जी? और ये आमना आंटी का मूड क्यों ऑफ था? अस्मा से कोई बात हुई है? कैसी बात अम्मी जी? मतलब कोई लड़ाई, कोई बात हुई है क्या? तुम उससे बात नहीं कर रही हो आजकल, पहले तो हर वक्त तुम्हारे कान पर फोन लगा रहता था। जी अम्मी जी, वो मुझसे नाराज है। क्यों? वही तो नहीं पता, मैं सोच रही हूँ उसके घर मिलने चली जाऊँ। आप ड्राइवर को बोल देना। वो किचन में कुछ बर्तन रखे हुए, जरा धो देना, सकीना की तबीयत ठीक नहीं है। जी अम्मी जी। क्यों, कोई प्रॉब्लम है काम करने में? नहीं, आप ड्राइवर को कह दे मैं जल्दी से किचन साफ करके आती हूँ। ड्राइवर कोई भी फ्री नहीं है। अच्छा चले फिर, मैं अब्बा के साथ चली जाऊंगी। मैंने कहा ना, इस वक्त सारे मुलाजिम बिजी हैं। जी अम्मी जी, मैं तभी कह रही हूँ कि मैं अब्बा के साथ। तो तुम्हारे अब्बा भी मुलाजिम ही हैं, समझ नहीं आती तुम्हें एक मर्तबा में बात? रहमत ड्यूटी पर है, जाओ किचन में। अगर आज तुम नहीं आती ना, तो मैं खुद तुम्हारे पास आने वाली थी। तुम्हारे जाने के बाद सो ही नहीं पाई। सोई तो मैं भी नहीं मामू, लेकिन अब मुझे किसी बात का कोई डर नहीं है। इनफैक्ट आप ठीक कहती थी कि वो घर मेरा है, और मैं उस घर को क्यों छोड़ूं? तुम्हारी सुहेल से कोई बात तो नहीं हुई? मम्मी जी ने कहा कि रायत के जाने के बाद सुहेल से बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम्हें रायत से नहीं, महापारा से खतरा है, उसका कोई बंदोबस्त करो। इसीलिए तो मम्मी जी ने मुझे यहाँ खुद भेजा है। यहाँ आके तुम क्या बंदोबस्त करोगी? एक्चुअली मम्मी जी चाहती हैं कि आप ममानी से अकबर के लिए महापारा की बात करें। क्या मैं किस मुंह से बोलूंगी उनसे? आखिर वो मुंशी की बेटी को क्यों अपनाएंगी?
तो आपको किसने कहा है कि आप वाकई में बात करें? तो फिर क्या करूं? खामोश रहकर तमाशा देखें। मैं तो खामोश हो जाऊंगी, लेकिन तुम्हारी सास खामोश नहीं होंगी। उनकी फिक्र अब आप मत करें, वो तो बहुत डरी हुई है, कुछ नहीं बोलेंगी। तुम नहीं जानती, बेटों की माँ होने का ना उन्हें बहुत घमंड है। वो औरत घर टूटने से नहीं डरती। नहीं मॉम, मैंने उनकी आंखों में जो खौफ देखा है वो सिर्फ घर टूटने का खौफ नहीं, बल्कि अपनी बेटी को खोने का खौफ भी है। और वो इस बार अपनी बेटी को खोना नहीं चाहती। अगर ऐसा होता तो न जाने अब तक क्या कुछ हो चुका होता। भाजी, आपके देवर आए हैं, मैंने उन्हें अंदर बिठा दिया है। जाओ तुम जाके चाय का इंतजाम करो। जी। ये क्यों आ गया? मुझे नहीं पता। चलो चल के देखते हैं। अरे तुम यहाँ कैसे? खैरियत? मेरे घर में? क्यों, आपको मेरा यहाँ पर आना बुरा लगा है? नहीं नहीं, बुरा तो नहीं लगा, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। वो कहते ना, सब कुछ एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक नहीं होता, इसलिए मैं यहाँ हूँ। साउंड इंटरेस्टिंग, कहते रहो। बस मैं कल जा रहा था और आप यहाँ हैं, तो मैंने सोचा कि जाने से पहले एक दफा आपसे मिल लूं। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम यहाँ मिलने नहीं बल्कि मुझे धमकी देने आए हो? धमकी? रिक्वेस्ट समझ लें। अरे वाह, ये सूरज आज कहाँ से निकला है? शोले उगलने वाली जबान आज फूल बरसा रही है। बस जा रहा हूँ तो झगड़ा खत्म करके दोस्ती की रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। रिक्वेस्ट? रिक्वेस्ट करने आए हो, कहो, मैं सुन रही हूँ। मैं चाहता हूँ मेरे जाने के बाद सब कुछ बिल्कुल वैसे ही रहे जैसे मेरे आने से पहले था। तो तुम्हारा मतलब है कि मैं वहां वापस नहीं जाऊं? ठीक है, नहीं जाऊंगी, लेकिन ये बात तुम एक बार अपने भैया से कहलवा दो। मैं आपकी बात नहीं कर रहा भाभी। फिर? मैं माँ पारा की बात कर रहा हूँ। अरे हाँ, मैं तो भूल गई कि तुम माँ पारा के अलावा कोई और बात करते ही कहा हो। वैसे तुम लोगों ने नौकरों को बहुत सर पे चढ़ाया होगा। एनीवेज, तुम माँ पारा के बारे में कोई बात कर रहे थे, बोलो। हाँ, मैं चाहता हूँ कि माँ पारा आपके और मेरे आने से पहले जिस तरह हमारे घर में रहती थी बिल्कुल वैसे ही रहे। उसके लिए मैं... उसके लिए? बोलो ना राइट, शर्मा क्यों रही हो? उसके लिए क्या? उसके लिए अगर आप चाहती हैं कि मैं आपसे माजरत करूं तो... I'm sorry. क्या हो गया बेटा? हाजरा तुम्हारी बहनों की तरह है और भाई बहनों को सॉरी करते हुए अच्छे थोड़ी लगते हैं। क्यों हाजरा, बोलो। अच्छा चाय दो इसे। नहीं, मैं चाय नहीं पीता। और मैं माफ नहीं करती। पागल मत बनो हाजरा, भाई है तुम्हारा, दोस्ती कर लो। और इस तरह देवर भाभी आपस में झगड़ते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। मॉम, ये दोस्ती नहीं कर रहा, सॉरी कर रहा है। और आप मेरी अपॉलॉजी एक्सेप्ट नहीं करना चाहती? राइट, मेरी तुमसे कोई लड़ाई नहीं है। जो कुछ भी था महापारा की वजह से था, और अगर आज तुम महापारा के लिए सॉरी बोल रहे हो तो ठीक है, मैं सोचूंगी। सोचते वोचते बाद में रहना, पहले चाय पी। नहीं आंटी, थैंक यू सो मच, बस मैंने आपसे अभी कहा है ना मैं चाय नहीं पीता, आई एम रियली सॉरी। कहा तो मैंने भी था कि मैं माफ नहीं करती। तुम चाय पी लो, मैं माफ कर दूंगी।
चलो बैठो शाबाश। साइड से भी करें ना, पूरी मिट्टी लगी हुई है। कहाँ जा रही है? वो अम्मी जी मुझे रायत से काम था। रायत घर पर नहीं है और वैसे भी रायत को अपने कमरे में यूं लोगों का आना जाना पसंद नहीं है। लेकिन मैं तो रायत के रूम में रोज जाती हूँ, वो मुझे कुछ नहीं कहते, वो तो मुझे बल्कि रोज पढ़ाते हैं। वो तो मेरे कहने पर पढ़ाता था ना तुम्हें, अब इम्तहान खत्म हो गए, पेपर्स दे लिए तुमने, आराम से घर बैठकर रिजल्ट का इंतजार करो। बल्कि एक काम करो, जरा जाकर सकीना का हाथ बटा दो, कुछ बर्तन ज्यादा हैं। समझ नहीं आ रही क्या कह रही हूँ, जाओ जी। कुछ काम सीखो, बहुत हो गई छुट्टियां। किस मोड़ पर खड़ा कर दिया तुमने माँ पारा, कि मुझे तुम्हारी हिफाजत करते करते तुम्हारी निगरानी करनी पड़ रही है। डायन भी साथ घर छोड़ कर मुंह मारती है, लेकिन तुमने जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। क्या नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए, हर चीज तुम्हें तुम्हारी औकात से बढ़कर दी। इतने महंगे कॉलेज में पढ़ाया, अच्छे से अच्छा खिलाया पहनाया, लेकिन क्या फायदा हुआ इतना सब करने का? तुमने तो वही किया जो हर कम नसल नौकर करता है, अपने मालिक के घर पर नजर रखी। हो गया काम? जी अम्मी जी, धो लिए सारे बर्तन। अब कहाँ जा रही हो, क्या प्रॉब्लम है? वो रायत के रूम में मेरी कुछ बुक्स रह गई हैं, तो तुम्हारी बुक्स भाग जाएंगी कहीं। तुमने कभी सकीना को इस तरह बिना इजाजत मालिकों के कमरे में धनधनाते हुए देखा है हर वक्त? सकीना को? हाँ सकीना की बात कर रही हूँ। तुम्हारी दादी ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया? जाओ जाकर कुछ सीखो उनसे, हर वक्त बस तस्बीह लेकर बैठी रहती है। बल्कि काम करो कि उन्हें जरा भेजो, मुझे उनसे कुछ बात करनी है। इतना अरसा हो गया, बचपन से सिखा रही हूं तमीज, इस बच्ची को कोई अकल नहीं आई बिल्कुल भी। दोनों एक साथ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या करती मम्मी जी, रायत देने के लिए आ गया था, माफ़ी मांग रहा था, अब उसे माफ़ ना करती, इकलौता देवर है मेरा, बस इसीलिए आ गई। हाँ कुछ कह तो रहा था मेरे सामने कि उसे कुछ लोगों को समझने में गलती हुई है, चलो अच्छी बात। अरे माँ पारा, तुम किसी का इंतजार कर रही हो? वो मैं रायत का इंतजार कर रही थी। रायत का इंतजार कर रही थी तो अंदर चलो ना। नहीं आप जाए, मैं बाद में आती हूँ। माँ पारा नाराज हो मुझसे? तुम तो मेरी छोटी बहनों की तरह हो और तुम तो जानती हो गलत फहमी तो किसी से भी हो सकती है ना, मुझसे भी हो गई। नहीं भाभी, मैं तो उस दिन सुहेल भैया के कहने पर सब भूल गई थी, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। सुहेल भैया के कहने पर? भाभी मैं आपसे भी प्यार करती हूँ। तो बस फिर जब मैं कह रही हूँ तो अंदर चलो। नहीं मेरे कपड़े गंदे हो रहे हैं, मैं चेंज करके आती हूँ वरना घर गंदा हो जाएगा।
तुम्हारे सिर्फ कपड़े ही नहीं, तुम्हारी नीयत और किरदार भी खराब है। मेरी बात सुनो, क्या हो गया तुम्हें, क्या मसला है? अगर अम्मी ने तुम्हें किसी बात पर डांट दिया है तो तुम मुझसे क्यों खफा हो गई हो? यही तो अफसोस है, उन्होंने डांटा नहीं है, उन्होंने मुझे दीगर मुलाजमों की लाइन में खड़ा कर दिया। मुझे, जिसे वो कल तक अपने साथ बिठाती थी, आज उन्हें मुझसे मेरे कपड़ों से घिन आ रही है। अच्छा मेरी बात सुनो, मैं उनसे खुद पूछ लूंगा कि उनके नाराज होने की वजह क्या है, लेकिन अभी मेरी बात सुनो, 15 मिनट में तैयार होके मुझे गली के बाहर मिलो, मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ। और अगर अगर तुम नहीं आई ना, तो मैं खुद तुम्हारे घर के अंदर आकर तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें बाहर ले जाऊंगा, और तुम्हें पता है ना, मैं जो कुछ भी कहता हूँ करके भी दिखाता हूँ। देखिए आप मुझे ना धमकी ना दे, और मैं इस वक्त बाहर नहीं आ सकती, इस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं, दादी से क्या कहूंगी? तो इसमें क्या मसला है, उनसे कह देना कि तुम्हें अस्मा के यहाँ जाना है। मैं इस वक्त उसके घर नहीं जाती। या प्लीज वहाँ पारा बहाने करना बंद करो, मैंने कह दिया ना 15 मिनट में तैयार होकर बाहर मिलो मुझे। एक तो तुम इतनी मुश्किलों से आई हो और खा भी नहीं रही। वैसे ही दिल नहीं जा रहा। Come on, महापारा, मैं कल जा रहा हूँ और तुम उदास बैठी हुई हो, give me attention। आप कल जा रहे हैं इसलिए सबको मना रहे हैं ना? किन सब की बात कर रही हो? किसी की ना, भाभी की बात कर रही हूँ। बुरा लगा? देखो महापारा, तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं जो कुछ भी कहता हूँ, जो कुछ भी करता हूँ, उसके पीछे कोई ना कोई सॉलिड रीजन जरूर होता है। नहीं, आपने अच्छा किया उन्हें सॉरी कह दिया, मैं तो बस वैसे ही। मैंने कोई सॉरी वॉरी नहीं किया। आपको कर लेना चाहिए था। तुम्हारे मशवरे की जरूरत नहीं। आप मेरी वजह से उनसे नाराज थे ना, जब उन्होंने मुझसे सॉरी कह लिया तो फिर आपको भी कर लेना चाहिए था। वेट अ मिनट, भाभी ने तुमसे अपोलोजाइज की? हाँ, जब आपके साथ आई थी। अब चलें, देर हो रही है। खामोशी से बैठी रहो। मैं आज ज्यादा से ज्यादा वक्त तुम्हारे साथ गुजारना चाहूंगा, ठीक है? मुझे क्या पता कि हम दोबारा कब मिलेंगे, मैं जा रहा हूँ। एंड मैंने प्लान किया कि हम जाएंगे समंदर पे, हम करेंगे वॉक, स्पेशल मोमेंट गुजारेंगे। कम ऑन। मैं दादी से आसमां के घर का कहकर आई हूँ। तो फिर दादी से कह देना कि अस्मा ने रोक लिया, सुबह घर आओगी, हैं? बल्कि एक काम करो, दादी को अभी फोन करके बता दो प्रॉब्लम सॉल्व। नहीं नहीं, दादी अस्मा को फोन कर लेंगी, आप चलें। तो इससे पहले कि दादी अस्मा को फोन करें, तुम दादी को फोन करके बता दो, सिंपल। क्या हूँ? और कहाँ थी सुबह से तुम? मैं आई थी, लेकिन अम्मी जी का मूड खराब था शायद। उन्हें काफी फिक्र हो रही थी तुम्हारी वजह से। लेकिन you know what, don't worry about it, सब सेट कर लिया। अब चलें? फिर चलें। भाई मैंने तुम्हें अभी कहा है कि मैं तुम्हारे साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, पूरी रात तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। ये हसीन लम्हात मैं अपनी आंखों में कैद करना चाहता हूँ। Come on, like, what's wrong with you? और घर वाले? उसकी तुम टेंशन ही ना लो। मैं मॉम को बता दूंगा कि मैं आपकी अनारकली के साथ। और उन्होंने कुछ कहा तो? वैसे आज वो मुझसे इतनी खफा हैं। वो कुछ भी नहीं कहेंगे, उन्हें सब पता है। क्या पता है? उन्हें ये पता है कि अनारकली दीवार में चुने जाने से पहले अपने शहजादे के साथ थे। लेकिन अनारकली चुनवाई तो दीवार में ही गई ना, उसका अंजाम तो बुरा ही हुआ ना। यार महापावर ऑफ गॉड्स, प्लीज रोमांटिक माहौल में ऐसी अफसरदा बातें मत किया करो, तुम पूरा मोमेंटम जो है ना डाउन कर देती हो। अच्छा चलो इस बात को छोड़ो, मुझसे ये तो पूछो कि मैंने फिल्म क्यों देखी। क्यों देखी? मैंने फिल्म सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत में देखी है।
अच्छा प्लीज कुछ खा तो लो। क्या बात हुई भला? पहले तो तुम्हारी मामी महापारा के पीछे पड़ी हुई थी और अब इस तरह से यूं मुंह खोल के इनकार कर दिया? पहले वो उसे आपकी बेटी समझ रही थी। तो अब क्या प्रॉब्लम है? देखिए मामा, रिश्ता करते हुए ऐसे नहीं छुपाई जा सकती, और सच ये है कि वो आपकी नहीं मुंशी की बेटी है, और ये सच जानकर मुझे नहीं लगता कि कोई भी अच्छा घराना उसको अपनी बहू बनाएगा। उसको उसके जैसे लोग ही मिलेंगे। ये तो बहुत गलत हुआ। खैर तुम रहने दो, मैं अपने जानने वालों में कहीं बात करती हूँ। वैसे सच पूछे तो अच्छा ही हुआ कि मामी ने इनकार कर दिया, वरना परेशानी ज्यादा हो जाती। कैसी परेशानी? देखिए मामा, बुरा मत मानिएगा, अगर स्टेटस का फर्क भुलाकर कोई भी अच्छी फैमिली उसको अपनी बहू बना भी ले तो वो अपने किरदार की वजह से वहां बस नहीं सकेगी। तो इसलिए बेहतर है कि आप उसकी शादी उसके जैसे लोगों में कर दें। नहीं नहीं हाजरा, वो आसाइशों के बगैर नहीं रह सकती बेटा। आसाइशों में रहने की आदत उसे मैंने ही डाली है। वो तो आपके बेटों के बगैर भी नहीं रह सकती, तो कौन सा बेटा देंगी आप उसे? हाजरा प्लीज, बेटा सुहेल के लिए तुम्हारे दिल में सिर्फ बदगुमानी है। जहाँ मेरी इतनी बात रखी है वहाँ ये बात भी रख लो। रायद और सुहेल के बारे में भूल जाओ ये सब कुछ। ये सब इतनी आसानी से नहीं भूला जा सकता। भूला जा सकता है हाजरा, और उसके बदले में तुम जो कहोगी मैं वही करूंगी, बल्कि इस घर में भी तुम जैसा चाहोगी वैसा ही होगा। सिर्फ ये बात भूल जाओ। मैं तो भूल जाऊंगी, लेकिन महापारा और खुद राइत क्या भूल जाएंगे वो ये सब? देखो बेटा, महापारा की तो मैं शादी कर दूंगी, फिर वो जाने उसका काम। और जहां तक राइत का सवाल है तो अमेरिका जाकर उसे ये कैजुअल सा अफेयर याद भी नहीं रहेगा। कैजुअल अफेयर? हाँ, मेरी राइत से बात हुई थी, उसने कहा कि वो तो उसे अपना सिर्फ दोस्त समझता है, वो तो महापारा ही ना समझ है जो गलत समझ बैठी। कैजुअल अफेयर में ना कोई लड़का किसी लड़की को डायमंड सेट देता है और ना ही कोई लड़की प्रेग्नेंट होती है। मैं मर जाऊं के या जियूं,